हेलो एवरीवन माय नेम इज फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस कोटा आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक डायजोनियम फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस ओके सो लेट्स स्टार्ट इट डायजोनियम सोल्ट आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला आर एन टू प्लस एक्स माइनस वेयर द आर स्टैंड फॉर एन एरियल ग्रुप एन टू प्लस is termed as diazonium group and x minus is any ion generally it is n ion c l minus b r minus hso4 minus bf4 minus whatever it can be so the compounds containing for general formula r n 2 plus x minus can be categorized under the diazonium salts a diazonium salts because they contains n2 plus group that is the diazonium group how we are naming these compounds these are named by suffixing diazonium हमें डायजोनियम सफिक्स लगाना है किसके पीछे टू द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो भी हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसके नेम के पीछे हमें डायजोनियम सफिक्स लगाना है और उस डायजोनियम सफिक्स के पीछे हमें उस एनायन का नाम लिखना है जो हमने यहाँ पर एक्स माइनस के फॉर्म में यूज़ किया है सपोज सी सिक्स एच फाइव एन टू प्लस सी एल माइनस तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेंजीन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन बेंजीन

आयन विच वी आर यूजिंग as एक्स माइनस प्राइमरी एलिफेटिक अमींस हमने पहले भी देखा था पिछले लेक्चर में जब एमाइंस की रिएक्शंस की थी जब अमाइंस की रिएक्शन हमने एच टू के साथ की थी तो हमने देखा था कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस जो है वो कैसा डायजोनियम सॉल्ट बनाती है अनस्टेबल अनस्टेबल एल्किल डायजोनियम सॉल्ट बनाती है वेयर एज अगर हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की बात करें तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो डायजोनियम सॉल्ट बनाती हैं वो कैसा होता है लो टेम्परेचर पर बहुत स्टेबल होता है पौदा शॉर्ट टाइम ये जो हमारा एरिन डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं लो टेम्परेचर पर दैट इज 273 सेवेंटी और 273 सेवेंटी टू टू सेवेंटी एट कैलविन जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस आइस बाथ मिक्सचर में हम इस सॉल्ट को बना सकते हैं ये स्टेबल है फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड लो टेम्परेचर जबकि जो प्राइमरी अमीन्स के एलिफेटिक अमीन्स के बनेंगे वो हाईली अनस्टेबल होंगे और उसी समय हाइड्रोलाइज हो जाएंगे एरिन डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल क्यों हैं बिकॉज दे आर गोइंग अंडर रेजोनेंस ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है और यह हम कह सकते हैं आयन है अगर हम इस इन को देखें तो दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो रहा है और जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा हमें पता है एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो बना रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी सो so, एरिन डायजोनियम आयंस जो होते हैं दे आर स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं कैसे हम बना सकते हैं डायजोनियम सॉल्ट को तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट या एरिल डायजोनियम सॉल्ट की बात करें तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलिन विद नाइट्रस एसिड एट 273 टू 278 एट Kelvin. हम ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं अगर हम यहाँ पर एनिलीन ले रहे हैं तो साथ में नाइट्रस एसिड की रिएक्शन रहे हैं नाइट्रस एसिड हमें कैसे करना होता है इन सी टू जेनरेट करना होता है हाउ वी आर जेनरेटिंग दैट बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एनए टू और एच सी एल की रिएक्शन से हमने इन सी टू एच एन ओ टू जेनरेट किया था दैट इज़ नाइट्रस एसिड और ये नाइट्रस एसिड हमारा किसके साथ रिएक्शन करता है एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है ये रही हमारी रिएक्शन जहाँ पे ये हमारी एनिलीन है सिक्स सिक्स एच फाइव एन टू एन एन ओ टू और एच सी एल हमने लिया इन दोनों की रिएक्शन से इन सी टू हमारे पास क्या जेनरेट होगा एच एन ओ टू और ये एच एन ओ टू ये जो रिएक्शन है हम कराएंगे लो टेम्परेचर्स पर कंडीशन है ये लो टेम्परेचर्स पर करानी ही है हमें जहाँ हमारे पास पेंचिन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा एन और टू एस टू ओ क्यों हमने लो टेम्परेचर पर कराया है क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो सॉल्ट बनेगा ये कहाँ है लो टेम्परेचर्स पर ही स्टेबल है फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी क्योंकि ये इनस्टेबल है लॉन्गर टाइम तक हम इसको स्टोर नहीं कर सकते इट इज़ जनरली नॉट स्टोर्ड एंड यूज इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन तो जब हमें इसका यूज करना है हमें उसे उसी समय फ्रेश बनाना है और उसको यूज करना है इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन ये जो रिएक्शन है प्राइमरी अमीन का कन्वर्जन डाई एजो सॉल्ट में द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इंटू डाई एजोनियम सॉल्ट इस टर्म डेस्ट डाई एजोटाइजेशन दिस रिएक्शन इज टर्म डेस्ट डाई एजोटाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट की बात करते हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सी सिक्स एच फाइव एन टू प्लस सी एल माइनस कैसा सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है रेडीली सॉल्यूबल इन वाटर एंड स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विद व्हेन वेन वार्म वाटर में रिएक्शन कर लेगा हाइड्रोलाइज हो जाएगा बट कोल्ड वाटर में क्या है ये स्टेबल है डिकम्पोज़ेस इजीली इन द ड्राई स्टेट हम इसे स्टोर करके नहीं रख सकते वहीं अगर हम बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट की बात करें तो क्या होगा वह कंपाउंड और ये कॉम्प्लेक्स जो है कैसा है वाटर इनसोल्यूबल है एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर तो इन कॉन्ट्रेरी टू द बेंजीन क्लोराइड, फ्लोरोबोरेट, वाटर व्यूबल है और रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शंस हैं हम उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं ब्रॉडली वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज कौन कौन सी द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन द फर्स्ट कैटेगरी द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप एक कैटेगरी वो है जिसमें ग्रुप ब्रेक हो जाएगा और एन टू हमारी रिलीज हो जाएगी और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें ग्रुप एज इट इज अपने आप को रिटेन रखेगा कैटेगरी नंबर फर्स्ट रिएक्शन से इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन इट मींस डायजो ग्रुप हमारा ब्रेक होने वाला है तो डायजोनियम ग्रुप बींग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है इसीलिए क्या होता है इस सब्सटीट्यूटेड बाय द अदर ग्रुप्स लाइक सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस सी एन माइनस ओ एच माइनस इस तरीके के जो ग्रुप हैं उनसे हम इसको क्या कर सकते हैं सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और बेंजीन रिंग में से नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं एज अ गैस तो ये हमारे पास डाइजो ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग है जब हम डाइजो कंपाउंड की रिएक्शन किसी फर्दर अनादर ग्रुप के साथ सब्सटीट्यूट करने के लिए कराते हैं तो वो ग्रुप आ जाएगा बेंजीन रिंग में आकर अटैच हो जाएगा और एन टू एज अ गैस एस्केप आउट हो जाएगी ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है हम वन बाय वन इन सब ग्रुप्स का रिप, रिप्लेसमेंट देखते हैं तो पहला रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट बाय ऑफ बाय हेलाइड और साइनाइड आयन हमारे पास जो एक्स माइनस आयन है और एन टू प्लस है डाएजो ग्रुप को हमें रिप्लेस करना है बाय हेलाइड और साइनाइड आयन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम सी एल माइनस वी आर माइनस और सी एन माइनस के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं कॉपर के हेलाइड को यूज़ करते हैं ओके तो क्यूप्रस के हेलाइड हम यूज़ करते हैं अगर हमें सी एल रिप्लेस करना है कॉपर का हेलाइड कॉपर का ब्रोमाइड क्रॉपर का साइनाइड अगर हम यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एचएक्स कॉरस्पॉन्डिंग एच एक्स कॉपर का हेलाइड एच सी एल तो हमारे पास क्या आ गए क्लोरो एरिन ब्रोमो एरिन साइनो एरिन ये रिएक्शन हमारी कहलाती है सेंडमेयर रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं हेलो के चैप्टर में इन प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरन्स ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं जहां हम डायोजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर हेलाइड के साथ कराते हैं in presence of HCl, HBr or KCN, the corresponding compound we are getting and N2 is escaping from the reaction mixture. यही replacement या ये substitution जो chloride और bromine का हमें कराना है, वो हम copper के halide ना लेकर direct copper के powder के साथ भी करा सकते हैं. We can use दिस रिएक्शन और दिस सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग ओनली द कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एच सी एल और एच बी आर इस रिएक्शन को भी हम पढ़ चुके हैं जिसे हम नाम जान देते हैं गेटरमान रिएक्शन ये रिएक्शन भी हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के चैप्टर में पढ़ी थी इन प्रिपरेशन ऑफ हेलो आरिन्स वेयर डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर इन प्रजेंस ऑफ कॉरस्पोंडिंग HX to टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग हेलो अरिन अगर आपको ArCl क्लोरोबेंजीन बनानी है तो कॉपर और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो कॉपर और HBr के साथ रिएक्शन करते हैं कॉपर हेलाइड की जगह कॉपर को यूज कर रहे हैं तो गेटरमैन इस रिएक्शन का नाम है अगर हम कॉपर हेलाइड को यूज़ कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का नाम सेंड रिएक्शन है दोनों ही नेम रिएक्शन हैं तो अगेन इम्पॉर्टेंट है एक से ज़्यादा चैप्टर का पार्ट होती हैं तो भी वो रिएक्शन इम्पॉर्टेंट होती हैं नेक्स्ट रिप्लेसमेंट है अगेन हमने आयोडाइड बनाना है ब्रोमो बेंजीन हम बना चुके अब हम आयोडो बेंजीन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम के आई के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा आयोडो बेंजीन साथ में के सी एल और एन टू का एस्केप ये रिएक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली हम आयोडोबेंजिन नहीं बना सकते विद द हेल्प ऑफ हम बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट हम आयोडोबेंजीस को प्रिपेयर कर सकते हैं सिमिलरली अगर हमें फ्लोराइड आयन से सब्सिट्यूट कराना है तो हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया है ये हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड है फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन जब हम बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट के साथ कराते हैं हमें पा, हमारे पास आ रहा है फ्लोरोबोरिक फ्लोरोबोरेट और इस फ्लोरोबोरेट की रिएक्शन हम हीट करने पर ऑप्टेन करते हैं फ्लोरो तो पहले हमारे पास डायोजोनियम सॉल्ट है क्लोराइड का और हमने उसे को फ्लोरो, में किया है, और फिर हमें फ्लोरोजिन मिल रही है हीटिंग पे कंपाउंड कैसा हो जाता है डीकम्पोज हो जाता है नेक्स्ट रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन साइनाइड हो गया क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड हो गया अब हम किससे रिप्लेसमेंट कराएंगे बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम फॉस्फोनिक एसिड से कराते हैं या हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फिनिक एसिड या हाइपोफोरस्फोरस एसिड के साथ कराते हैं या इथेनॉल के साथ अगर हम कराते हैं तो क्या होगा हमें बेंजीन मिलती है कॉरस्पॉन्डिंग एरिनस मिलती हैं साथ में जो भी हमारा फॉस्फोनिक फॉस्फिनिक एसिड है और इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फोरिक एसिड और इथेनॉल में तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया है हाइपोफॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरिक एसिड में और ये इथेनॉल में इथेनॉल में और हमें मिल रही है एरिनस बाय द एस्केप ऑफ डाई हाइड्रोजन डाइनाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस तो ये रिएक्शन भी वो रिएक्शन है जिसमें डाईजोग्रुप एनटू फॉर्म में एस्केप आउट हो जाता है अनादर रिएक्शन ऑफ दिस कैटेगरी व्हेन वी आर रिप्लेसिंग डाय ग्रुप बाय द हाइड्रोक्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे कर सकते हैं अगर हम डायजोनियम सॉल्ट का सॉल्यूशन को हीट करते हैं 283 एटी तक क्योंकि हमें पता है 273 सेवेंटी थ्री थ्रू टू सेवेंटी है अगर हम उसे थोड़ी देर रूम वाटर रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा इट गेट्स हाइड्रोलाइज टू फिनॉल तो ये हमारा अगेन डायजो ग्रुप किससे रिप्लेस हो गया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो डिफरेंट रिएजेंट्स को यूज करके हम डिफरेंट अनादर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस कर सकते हैं बाय द डाएजोनियम सॉल्ट द नेक्स्ट रिप्लेसमेंट दैट इज रिप्लेसमेंट बाय एनो टू ग्रुप नाइट्रो कंपाउंड अगर हमें बनाना है तब हम कैसे इस रिएक्शन को यूज करते हैं हमारे पास डाइब बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड है इसको हम क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोरोबोरेट में अगेन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई हमने बना लिया फ्लोरोबोरेट डायजोनियम का क्लोरोबोरेट बना दिया और अब इसको हम हीट कर रहे हैं विद कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हम उसको सोडियम नाइट्राइड के साथ हीट करेंगे तो हमारा बनने वाला कंपाउंड क्या है नाइट्रोबेंजीन इट मींस जो हमारा एजो ग्रुप था वो रिप्लेस हो गया बाय द सॉरी वो एस्केप आउट हो गया और एनओ टू हमारा यहाँ पर रिप्लेस होकर आ गया तो इस तरीके से ये सारी रिएक्शंस वो कैटेगरी की रिएक्शंस हैं जहाँ पे हमारा ग्रुप ब्रेक डाउन हो जाता है और एन टू की फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर में से एस्केप आउट हो जाता है ये रिएक्शंस हमारी कैटेगरी ए की रिएक्शन थी नेक्स्ट मूव टू अनादर रिएक्शन कैटेगरी विच इज़ हैविंग रिटेंशन ऑफ ग्रुप इट मीन्स ग्रुप एज इट इज़ प्रोडक्ट में कैरी आउट होगा रिटेन रहेगा कौन कौन सी वो रिएक्शन है और क्यों होता है ऐसा एजो प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहेंगे एजो प्रोडक्ट एजो प्रोडक्ट हैव एन एक्सटेंडेड ओ सिस्टम हैविंग बोथ एरोमेटिक रिंग्स जिस भी कंपाउंड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं उसकी भी और हमारे डायजोनियम सॉल्ट की भी एरोमेटिक रिंग उसमें कैरी आउट होगी थ्रू द ग्रुप एंड डबल बॉन्ड एन बॉन्ड दिस कंपाउंड आर नोन एज डाइज कलर्ड होते हैं और इसीलिए हम उनको यूज़ करते हैं एज अ डाई और हम उनको कॉमन नेम देते हैं एजो डाइज कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ कराते हैं इन विच द फिनॉल इज एट इट्स पोजीशन कपलिंग जो होगी वो पैरा पोजिशन पर होगी तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि ऐसा कंपाउंड है एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है जिसे हम ऑरेंज डाई बोलते हैं तो फिनॉल के साथ बेंजीन डाइजोनियम की रिएक्शन कैसे प्रोडक्ट देती है ऑरेंज डाई देती है अगर यही रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की हम एनिलीन के साथ करा रहे हैं इट विल गिव्स पैरा अमीनो एजो, एजो बेंजीन दैट इज़ अ येलो कलर्ड डाई तो दोनों रिएक्शंस को हम नेम देते हैं कपलिंग रिएक्शन बिकॉज इट इज इन दिस रिएक्शन द डायजोनियम सॉल्ट इज कपलिंग विद एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड द रिएक्शन इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज हैविंग द एरोमेटिक रिंग्स ऑफ बोथ कंपाउंड और बोथ रिएक्टेंट्स दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ पे हम देख सकते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये हमारा फिनॉल है फिनॉल इसके साथ अटैच हो रहा है या कपल हो रहा है एट द पैरा पोजिशन डायरेक्ट पैरा पोजिशन पे वो इसके साथ में कपल हो रहा है प्रोडक्ट में एजो ग्रुप एज इट इज रिटेन हो रहा है दैट इज द पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन ये पैरा पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो ओ बेंजिन दैट इज द ऑरेंज कलर्ड डाई सिमिलरली बेंजिन डाईजोनियम सॉल्ट रिएक्टेड विद एनीलिन क्या होगा अगेन द प्रोडक्ट इज कंटेनिंग द एजो ग्रुप एज इट इज पैरा अमीनो बेनजो एजो बेनजीन तो ये हमारी कौन सी डाई हो गई येलो कलर की डाई हो गई तो बाय द बोथ रिएक्शन वी कैन सी दैट दीज आर द रिएक्शन इन विच द एजो ग्रुप इज रिटेनिंग इट्सल्फ सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शंस इन विच एज ग्रुप इज रिटेनिंग इट्सल्फ और द कपलिंग रिएक्शन नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन और डायजोनियम सॉल्ट डाएजोनियम सॉल्ट आर वेरी गुड इंटरमीडिएट्स बहुत अच्छे इंटरमीडिएट्स हैं फॉर वॉट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज ग्रुप्स फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो साइनो ओ एच हमने अभी सब ग्रुप्स का रिप्लेसमेंट देखा

डायजोनियम की सॉल्ट से बहुत इजीली बना सकते हैं डायरेक्ट हम बेंजीन रिंग में एरोमेटिक रिंग में इन ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि जहाँ डायरेक्ट हेलोजिनेशन और डायरेक्ट इंट्रोडक्शन टू बेंजीन रिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ वाया डा सॉल्ट और विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्ट वी कैन इंट्रोड्यूस दैट ग्रुप इन द बजिन रिंग द सेकेंड द साइनोग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाई न्यूक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन ये भी हमने देखा था कि डायरेक्ट हम साइनो ग्रुप को उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बट साइनोबेंजीन हम ईजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड अभी हमने सेंडमे रिएक्शन में देखा कि साइनोबेंजीन को हमने कैसे प्रिपेयर किया सिमिलरली द रिप्लेसमेंट ऑफ डायाजोग्रुप बाय अदर ग्रुप्स इज द हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कम्पाउंड्स विच कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली और अन अदर मेथड सो डायजोनियम सॉल्ट की सबसे बड़ी यूटिलिटी वही है कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन और डायरेक्ट रिएक्शन से हम जिन कंपाउंडस को प्रिपेयर नहीं कर सकते डायोजोनियम सॉल्ट की हेल्प से बहुत ईजीली हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं डेफिनेटली डायजोनियम सॉल्ट की एक बड़ी कैटेगरी हमें डाइज की प्रिप्रेशन देती है तो जितनी भी सिंथेटिक डाइज हैं या एजो डाइज हैं वो हम डायजोनियम सॉल्ट की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं तो दीज कंपाउंड है ग्रेट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और यूज सो क्वाइट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ डायजोनियम सॉल्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द रिएक्शन हम पहले भी पढ़ते हैं ये रिएक्शन आपके प्रैक्टिकल पार्ट में भी है जहाँ आप इन दोनों डाइज़ का सिंथेसिस करेंगे सो so, इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिए क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे से प्रिपेयर करिए डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन एंड दे आर स्पेशली कपलिंग रिएक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक टिल देन कीप स्टडिंग थैंक यू